अगर आप लोग भी गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर अपडेट करने वाला हूँ गोल्ड को लेकर कि आपके जितने भी ट्रेड हैं, चाहे बाइंग में हो सेलिंग में हो, गोल्ड कब से बुलिश है एंड कहाँ तक जाके रुकेगा, कब गिरेगा, कब यहाँ से कंटिन्यू करेगा एंड प्रॉपर हम यहाँ पे गोल्ड की बात करेंगे स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि गोल्ड जो एक दो वीक से यहाँ पे बुलिश हो रहा है, लेकिन ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आप चार्ट को सही से नहीं पढ़ते। अगर आप यहाँ पे वन डे के ऊपर चार्ट को देखोगे, गोल्ड के जितने भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड थे वो यहाँ पे जब हमारा ब्रेक हुआ था, कब, लास्ट टाइम जब हमारा ऑल टाइम हाई लगा था 2166, जब यहाँ पे लास्ट टाइम हमारा हाई लगा था दिसंबर 4 दिसंबर को, उसके बाद वापस यहाँ पे गोल्ड गिरा था नीचे 11 दिसंबर, एंड देन जैसे ही हमारा 2024 यहाँ पे स्टार्ट हुआ जनवरी फर्स्ट से लेके अभी तक गोल्ड प्रॉपर ये देखोगे अब यहाँ पे आया था ये फेब में, एंड टोटल 14 फरवरी से गोल्ड कभी नीचे के लिए गया ही नहीं, ठीक है। हर दिन गोल्ड ने बाई बाई एंड बाई ही था, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 15 मिनट या 1 आवर या 2 आवर के ऊपर आप चार्ट को देखते हो, आपको लगता है कि अभी ये पैटर्न बन रहा है या वो बन रहा है, लेकिन अगर आपने 1 आवर के ऊपर यहाँ पे मार्केट को वॉच किया होगा, जब मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेक किया था यहाँ पे, ये देखो ये जो जोन था हमारा 2165 ये, एंड इसका जो लो इसने यहाँ पे ये लगाया था, देखो ये जो यहाँ पे कैंडल बनी थी नीचे, ये 14 फरवरी, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इससे पहले हमारी 3-4 कैंडल मार्केट नीचे बुलिश हुई थी, बैरिश में गई थी, देन यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे कैंडल बनी थी, इसके बाद तो गोल्ड ने रुकने का नाम ही नहीं लिया है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे तब अच्छे से देखा होगा कि आपको प्रॉपर उसके बाद कहीं पे सेलिंग का पैटर्न बना ही नहीं, लेकिन भाई लोगों ने क्या किया, लोगों को लगा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो अभी एक सेलिंग पैटर्न दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे भी तो गोल्ड का जो पैटर्न बन रहा था यहाँ से, जब मार्केट ने हाई लगाया था फिर ड्रॉप हुआ, अब लगा गोल्ड लोगों का ऑल टाइम हाई तो लग चुका है, बट अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया एंड देन यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एंड देखोगे आप फिर यहाँ पे गई, फिर एक और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे गई वापस एक ऑल टाइम हाई लगा, फिर यहाँ पे, फिर एक और ऑल टाइम हाई पे अभी मार्केट हमारी रुकी हुई है। अब हम बात करेंगे क्या ये हाई कंटिन्यू बुलिश चलेगा या ये यहाँ से रुकने का नाम लेगा। देखो अगर मैं वन डे के ऊपर बात कर रहा हूँ तो ये बुलिश पैटर्न कंटिन्यू रहने वाला है, एंड अगर आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ट्रेड करते हो या आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो तो आपके लिए अभी मार्केट बुलिश ही रहने वाली है, एंड जितने भी लोग इंट्राडे करते हैं देखो उनके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पे अलग से वीडियो बनाता हूँ, एंड अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो, इंट्राडे मींस अगर आप सुबह से शाम तक ट्रेड करते हो या दिन को आप 50-100-200 पिप का प्रॉफिट निकाल के आप निकल जाते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, मैं खुद गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूँ डेली बेसिस पे, वहाँ पे आपको हमारे प्रॉपर सिग्नल्स मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है, आज आप फ्री में भी एंट्री कर सकते हो हमारे VIP ग्रुप के अंदर 1 मंथ के लिए, उसके लिए हमने प्रॉपर ये रखा है कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई कैसे आप लोग हमारे VIP ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर आपको फ्री में ज्वाइन नहीं करना है तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको 1 मंथ के लिए, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 साल लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन होना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी गई है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करो हमसे, आपको हम अपने VIP ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, एंड डेली का मेरा टारगेट होता है 100 पिप्स का, जो हम बिल्कुल आराम से निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे डेली का 150 पिप 250 पिप भी निकालते हैं, बट टारगेट है हमारा मिनिमम 100 पिप जो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 वीक के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, तो वीकली के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे तब भी यहाँ पे हमारी मार्केट एकदम बुलिश में ही है, एंड जितने भी इंडिकेटर सब यहाँ पे प्रॉपर, ये वाला जो कैंडल बना है लास्ट वीक का ये तो बिल्कुल ही बुलिश है, ठीक है। इस वीक का जो था ये, और भी इससे पहला वाला जो वीक था उसमें मार्केट अप गई थी बट वापस सेल में भी हुआ था, ठीक है, बट ये वाला जो वीक का था ये टोटली बुलिश है, यहाँ पे आप देखोगे एकदम ऊपर ही मार्केट ने वापस आई ही नहीं है, बट क्योंकि इससे पहले वाला वीक का देखोगे तो मार्केट क्या दिखा रहा है कि ऊपर बहुत गई है बट क्लोज कहाँ पे हुई है, ऑलमोस्ट जहाँ स्टार्ट हुई है थोड़े ही कुछ पिप ऊपर, यहाँ पे क्लोज देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट कहाँ पे 56 पे, देन क्लोज हुई थी 66 पे, ऑलमोस्ट 100 पिप का गैप पे क्लोज हुई थी बट ऊपर बहुत गई थी, बट सेकंड वाला जो यहाँ पे लास्ट, मतलब ये वाला जो अभी हुआ है अब नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर मार्केट ने वापस दिया ही नहीं, टोटली अप गई है, एंड बहुत से लोग यहाँ पे इसमें ट्रैप हुए पड़े हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप लोग मंथली के जैसे इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में या आप लॉन्ग टर्म का गोल है तो गोल्ड अभी और ऊपर जाने वाला है इस टाइम के हिसाब से, बाकी आगे क्या अपडेट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे डेली बेस पे अपडेट करते रहूँगा, एंड अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड हम वहाँ पे डेली एनालिसिस देते हैं कि कब आपको बाई करना है, कब सेल करना है, ठीक है।
एंड कोई भी डाउट होगा या आप किसी और पेयर में ट्रेड करते हो या जीबीपी यूएसडी के अंदर, यूरो यूएसडी के अंदर, आप लोग नीचे कमेंट करो, आपको हम उसके ऊपर भी सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं या आपको उसके ऊपर भी एनालिसिस मिलेगा अगर आप लोग चाहते हो तो। या अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए, आप लोग उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिमिटेड सीटें अवेलेबल है एंड आप लोग भी यहाँ पर आपका नंबर भी मिल सकता है अगर आप चाहो तो। अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे, अगर सीट अवेलेबल होगी आपको अलॉट हो जाएगी अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। बाकी सिग्नल्स के लिए हर कोई यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड।